shot. No flying. नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और हमारी ओटू चैंपियनशिप के मैच नंबर 37 में आपका स्वागत है, जहां पे भिड़ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें। रैंकिंग ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। इंग्लैंड के लिए टूर्नामेंट अभी तक काफ़ी ख़राब रहा है। अच्छी शुरुआत हुई थी, एक समय रैंक वन पे भी था, लेकिन अब फिसल के सबसे आखिरी पायदान पे आ चुका है। टॉस जीता हुआ इंग्लैंड और जीत के फैसला किया है बैटिंग लेने का। पाकिस्तान आ रहा है यहाँ पर गेंदबाजी में, रन चेज होगा आज के दिन फिर एक बार। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे आगे बढ़ के निकलती है। अभी के लिए पाकिस्तानी फील्डर्स बॉलर्स आते हुए उनके पीछे आ रहे हैं ओपनर्स इंग्लैंड के। कोशिश करनी होगी 24-23 के आसपास स्कोर कम से कम डालने की कोशिश करने की स्कोर कार्ड पे। गेंदबाजी में आते हुए राइट आर्म बॉलर, और मैं एक बार फिर बता दूं कमेंट्री में मैथ्यू एडन और आकाश चोपड़ा दोनों आएंगे आज। Some aggressive defence there from the fielding side. Got him with an easy catch in the end. That's some great bowling. Batsman is out for zero runs. Fielding unit has aided in early breakthrough here. He's gifted away his wicket. I wouldn't have forgiven myself if I'd played that type of shot. He just has to stick to the basics and play his natural game. No better way to start an inning. Cleaving through the cover and mid-off. A magnificent drive. A good variation there, forcing the batsman to defend once again. He's played right into the fielder's hands. They lose another wicket in quick succession. He's the new man in. He should stick to the team plan and just anchor the innings down. Time for some spin now. An off spinner comes into the attack. It's the doozer, but will the batsman fall for it? Clean sweep. It clears the field. That's a quick bit of legwork from these two. Couldn't have come at a better time. A real crowd pleaser that one. A rocket of a shot. The fielders can only do one thing there. Beautifully swept by the batsman. Well, we're all guessing here he loves board games. Roll a six and six again. On this side of the wicket, so he decides to change. Great effort from the fielding unit. They need to keep this momentum going. He's made mid-wicket fielder on the leg side. No runs added. Swept across with no mercy. A very good effort between the wickets. दो ओवर के बाद 19 स्कोर कार्ड पे इंग्लैंड ने रखे हैं। पहली ओवर में सिर्फ 4 बनाया था। पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी की, थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई। मैंने पहले 2-3 गेंदें जो ओवर द विकेट डाल दी लेफ्टी को, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। वहाँ पर भी एक कैच आउट हो सकता था, लेकिन थोड़ी दूरी से रह गया है। मैं मानता हूँ अच्छा स्कोर इंग्लैंड चाहे तो डिफेंड कर सकती है। पाकिस्तान यहाँ पर ये कोशिश करेगा कि मिस ना करें शॉट। कई बार होता है हम हर मैच में अगर एक दो शॉट मिस कर जाते हैं परफेक्ट या गुड शॉट, तो फिर वहाँ पर गेम चेंज हो जाता है। आज करना होगा कि लगे बल्ले पर और हर गेंद पे अधिक से अधिक रन आए। देखते हैं क्या होता है, अब पाकिस्तान चेस कर पाता है या नहीं। Not the hardest target, but you never know which way luck will swing. He has to stick to his basics and not give away his wicket here. The medium pacer has been called into the attack now. Down the ground, seedha shot taken. बैट्समैन की गलती, फील्डर की मस्ती, मिल गया एक और विकेट।
पहली गेंद पर गवा दिया अपना विकेट और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। Yes. Out. Caught. क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये? कैचिंग प्रैक्टिस है क्या? दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं। थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्विक्स मौका चूक गया। दर्शकों की फील्डर में तब्दील, इस शॉट ने लूटी वाहवाही। गेंद एकदम स्लॉट में, कहा है संभव। ऊंची तो बहुत गई है लेकिन ज्यादा दूर नहीं, समस्या। फील्डर कर रहे थे इंतजार, गेंद गई उनकी झोली में, बल्लेबाज गया पवेलियन की तरफ। टीम ने कुछ प्लान किया है और उस प्लान का हिस्सा है ये। मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है अमूमन, लेकिन आज यहाँ भेजा गया है। थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा डुले और गेंद को लेग साइड की तरफ। चीते को पीछे छोड़ दे, इतनी तेज भाग रही है बल्लेबाज, जहाँ झोंक दिया। नॉट आउट। गेंदबाज कर रहे हैं निर्णायक और सबसे रोमांचक ओवर की शुरुआत। जबरदस्त अंदाज में हल्का सा शफल किया और गेंद को लेग साइड पे भेजा। इसे कहते हैं संभल कर खेलना। इन दो रन के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को। करीबी मामला, मिला भाग्य का साथ। बेटर सेफ देन सॉरी। भाग्यशाली की दुर्घटना नहीं घटी। बढ़िया फुटवर्क, कलाइयों की कलाकारी, फ्लिक। क्रैकिंग शॉट, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए इस मैच। पारी की समाप्ति पर और इस शॉट के साथ या तो आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है। जीतने वाली टीम को बधाई जरूर है लेकिन हारने वाली टीम यहां से बहुमूल्य सीख लेगी और आगे की तरफ चलेगी। इस खिलाड़ी में कुछ खास बात है और आज प्रदर्शन तो खैर टॉप क्लास था, सुपर से भी ऊपर। मैन ऑफ द मैच इन्हीं के पास। क्या मैच रहा है ये, लाजवाब। आखिरी गेंद तक खबर नहीं पड़ रही थी कि कौन होगा। मेरे पास ऑप्शन ये था लास्ट गेंद पे, या तो मैं अग्रेसिव खेलूं और अग्रेसिव खेलने का रिस्क ये था कि आउट हो सकता था, और एक ऑप्शन था कि मैं दो रन लूं, मैच को ड्रॉ कराऊं। मैंने अग्रेसिव खेलना सही समझा। अब हो सकता है अगर मैं यहाँ पे फ्लॉप हो जाता तो शायद आप में से कई लोगों को लगता कि जानबूझ के किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। परफेक्ट शॉट के साथ सिक्स मारा है और जीता है पाकिस्तान। इंग्लैंड के हिस्से में हार आई है ऑलरेडी। जब टीम आखिरी नंबर पे हो, एक और हार सोचने पे मजबूर करेगी, क्योंकि अब कुछ मैचेस ही बाकी रह रहे हैं। आधा टूर्नामेंट पूरा हो चुका है, आधे से कम मैचेस इंग्लैंड के बाकी हैं, सिर्फ पांच मैचेस बाकी हैं। तो वापसी के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं जैसे जैसे हार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी यहाँ पे बात यह है कि वो अब टॉप टू में रैंकिंग में आ गया, मतलब पॉइंट के हिसाब से। रन रेट हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे जब सेमीफाइनल लाइनअप बनेगी या प्लेऑफ की लाइनअप बनेगी तब, लेकिन अभी का हाल ये है। रैंकिंग आपके सामने, बढ़ता हूँ मैं आपसे विदा की तरफ और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।